हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज दिन है शुक्रवार और सुबह का बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन सिर्फ क्लीनिंग का काम जो है वो मेरा नहीं हुआ था। हो जाता है कभी कभी ना, लेट भी हो जाता है, क्योंकि जब हम घर के एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं ना, तो हमारा लेट होना तो तय है ना। जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम था मेरा, तो वो सब मैं करने लगी थी, जिसकी वजह से मेरा ना थोड़ा सा लेट हो गया। पर कोई नहीं, इतना भी ज़्यादा लेट नहीं हो चुका है। सो यहाँ पे पहले पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो पोछा लगाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगता है कि मैं तसल्ली हो गई, क्योंकि झाड़ू पोछा का ही जो टेंशन रहता है, वरना और कुछ कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। बाकी तो लगे हाथ सारे काम जो है ना वो हो जाता है। तो सुबह उठ के मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी बेड वेड ठीक कर लूँ, लेकिन होता क्या है ना कि सुबह में हस्बैंड ना बहुत लेट से उठते हैं, इसकी वजह से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग बेड नहीं ठीक कर पाती हूँ। जब ये उठ के ऑफिस चले जाते हैं तो ही ठीक कर पाती हूँ। तो आज क्या हुआ था ना कि आज हुआ कि हस्बैंड जल्दी ऑफिस चले गए, तो मेरा थोड़ा सा काम हुआ कि चलो मैं बेड वेड ठीक कर लेती हूँ। यहाँ बाबू का मस्ती देख सकते हैं, 24/7 इसका मस्ती चालू है। इसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से ये अभी स्कूल नहीं जा रहा है, बट ये मंडे से स्कूल जाना तय है इसका, कि इसको मंडे से स्कूल जाना है। क्योंकि देखिए, बच्चे थोड़े घर में रहते हैं ना, तो घर में क्या करते हैं, बस वो फ़ोन देखेंगे या इधर उधर घूमेंगे। मैं जितने देर पढ़ाऊँगी उतने देर बैठ के पढ़ेंगे, बाकी का काम क्या करते हैं वो लोग, बस इधर से उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अगर बाबू थोड़ा सा स्कूल चला जाएगा तो मुझे थोड़ा सा ना रिलीफ फील होगा। उतने देर कम से कम अपना फटाफट काम कर लिया करूँगी, और बाबू भी स्कूल में एंगेज रहेगा, कुछ सीखेगा, है ना। घर में बैठे रहने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। कोशिश यही है कि मंडे से वो जाए, बस मंडे को से उसका तबीयत सही रहे। अभी तो वैसे सही है, लेकिन कल रात को हुआ था ना, थोड़ा फीवर लग गया था, इस वजह से मैं उसको ना स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि बच्चा है ना, उसको वीकनेस भी है बाबू को। शुरू से जब से हुआ तब से उसकी तबीयत ख़राब कुछ ना कुछ, तो उसको थोड़ा वीकनेस भी हमेशा ही रहता है। मैं कोशिश करती हूँ उसको मतलब कि जो भी प्रोटीन हो वो देने का, पर बच्चे हैं खाते नहीं है ना, बहुत कम, बहुत परेशान करता है खाने में। तो बस यहाँ लगे हाथ मेरे सारे घर के झाड़ू पोछा हो चुके हैं, तो संग संग मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है कि मैं नहा लूँ तो तसल्ली हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नहा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं बता दूँगी, मैं सुबह सुबह पहले क्लीनिंग से पहले ही ना आज घर में ना सारा खाना वाना मतलब रेडी कर ली थी। यहाँ पर मैं अपने बाल को ना मतलब सुखा रही हूँ, क्योंकि तुरंत मैं नहा के आती हूँ ना, और आजकल क्या पता है गर्मी का टाइम है ना, तो नहा के आओ ना गीला गीला सा ना बहुत अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं अपने हेयर को इस तरीके से सुखाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा जो डेली वेयर मेकअप है वो कर लूँगी, थोड़ा सा टोनर लगा लूँगी, थोड़े से सनस्क्रीन लगा लूँगी, लिप बाम लगा लूँगी और सिंदूर लगा लूँगी। तो मेरा तो यही है, मतलब कि डेली मेकअप में मैं यही करती हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके वीडियो को नहीं देखिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहीं पे मेरा एक वीडियो कॉलिंग आ गया, तो मैं बात करने लगी थी, मम्मी का आ गया था, तो बाबू रिसीव करके दूसरे फ़ोन पे दे दिया था। तो अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं जो इयररिंग्स पहनी हूँ, आप लोग ने पूछा कि आप इयररिंग्स मतलब कैसे क्या है, तो मुझे देखिए मुझे उतना आइडिया नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ये मुझे मतलब ख़रीद दिए थे, तो मुझे पता नहीं है कितने ग्राम का है क्या है नहीं है, मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगी। तो चलिए, मेरा मेकअप का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और हेयर वॉश करने के बाद कितना मतलब फ्रेश महसूस होता है हेयर वॉश करने के बाद, है ना, वही फ्रेशमेंट मुझे ही महसूस हो रहा है। अच्छा हाँ, चलिए अभी यहाँ पे मुझे ना जैसे कपड़े को ना यहाँ पे मुझे लगाना था, कपड़े नहीं थे, चार बेडशीट थे, बहुत सारे बेडशीट थे, मतलब चार पांच बेडशीट ऐसे थे। तो मैंने कहा चलो इस इधर ना बेडशीट जितने भी है डाल देती हूँ। 80% कपड़े तो मतलब ऑटोमेटिक वाले में 80% कपड़ा तो सूख ही जाता है, सिर्फ थोड़ा सा धूप लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे बस वही कर रही हूँ, और नीचे मैं देख रही थी कि बाबू ना कुछ बालकनी में खेल रहा था, तो पूरा वाइपर से भी खेल रहा है, मतलब बच्चे होते हैं ना किसी भी चीज़ से खेलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर कुछ ले आके पूरा पेपर फैला के खेल रहा था, तो मैं पहले तो इसको हटा के मैं डस्टबिन में डाली, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि हमारा काम ना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बेडशीट है सबको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए, और उसके साथ साथ ना मैं पिन भी लगा देती हूँ, जो कपड़े चापने वाला पिन होता है ना वो, जिससे कि अगर कपड़े मतलब चादर नीचे ना गिरे, नीचे गिरेगा तो फिर मुझे नीचे लाने जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं पहले से ही पिन लगा देती हूँ। तो मैंने आज घर के जितने भी बेडशीट थे ना, मतलब जो भी बेडशीट मैंने यूज़ किया हुआ था, वो सारे के सारे बेडशीट मैं आज एक ही बार में धो दी थी, सारे बेडशीट। मैं ऐसे ही करती हूँ, मशीन लगाती हूँ, तो मतलब सारे बेडशीट हो गए, जैसे सोफ़ा कवर्स हो गया,
बाकी के बेडशीट हो गए, तो ऐसे करके मैं एक बार में ही लगा देती हूँ, चार पांच तो इजी मतलब धूल भी जाते हैं एक बार में। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा था, आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा हवा चल रहा था, इतना भी तेज़ नहीं चल रहा था। तो उसके बाद कपड़े पसारने के बाद मैं ना सो गई थी थोड़ी देर, मतलब सो ही क्या थी, जस्ट लाइक फ़ोन वोन देख रही थी, वैसे लेटी हुई थी, बाबू को सुला दी थी। तो बाबू के उठते ही उसका डिमांड हुआ कि उसको हलवा खाना है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ उसके लिए हलवा। तो यहाँ पे आई तो लंच बनाई थी ना, तो गैस काउंटर टॉप जो है ना क्लीन नहीं की थी, और गैस काउंटर क्लीन नहीं नहीं रहता है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कोई भी काम करने का। तो पहले मैं जब भी आती हूँ तो अगर गंदा रहता है तो पहले मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। तो पहले मैं गैस काउंटर टॉप को क्लीन कर ली हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा सिंपल वाला हलवा बनाऊँगी, क्योंकि बाबू को ज़्यादा तामझाम वाला पसंद भी नहीं है, तो सिंपल सा हलवा बनाऊँगी। जस्ट लाइक पहले तो इसमें थोड़ा सा पानी था, उस पानी को मैं सुखा लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें घी, 2 चम्मच घी डालूँगी, और सूजी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम चीनी और ऐड कर देंगे पानी। आज दूध इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि घर में ज़्यादा दूध अवेलेबल नहीं है, वरना मैं हमेशा ही हलवा में दूध ऐड करती हूँ, लेकिन आज रीज़न यही है कि ज़्यादा दूध नहीं होने की वजह से मैं दूध को ऐड नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ पे चीनी मैंने डाल दिया है, सिंपल सी है, भुनने में जो टाइम लगता है लगता है। हलवा बहुत ही इजी रेसिपी है, सूजी का हलवा वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होता है और हेल्दी भी होता है, तो आप भी अपने बच्चे को सूजी का हलवा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बाबू को और ईशांग को ना मेरे बेटे को पसंद भी है हलवा सूजी का, तो मैं उसी के तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो बस यहाँ पे मैं चेयर वेयर साइड कर रही थी, हलवा तब तक थोड़ा सा मतलब बन जाएगा तब तक ये रेडी हो जाएगा। और बस यहाँ पे ये बाबू को मैंने ये टेबल लगा दिया है, तो देख सकते हैं उसका मतलब कि उसको पेशेंस लेवल नहीं है कि बस अब हलवा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पता नहीं क्यों लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ गया था, और अभी मैं इसको पानी दी हूँ, जिसने पानी मम्मी दे दो पानी दे दो पानी दे दो, तो मैंने इसे पानी दिया है और मैं इसको हलवा दे देती हूँ। और साथ साथ में हलवा ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं इसके पास में बैठ के थोड़ा सा ना हलवा को ठंडा भी कर दूँगी। और मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि सब लोग कहते हैं ना लाइट कलर आप सोफ़ा पे बिछाया करो, लाइट कलर यार बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मैं आपको ना कल नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी किस तरीके से मेरा गंदा हो गया, मतलब शायद मैं एक दो दिन और भी रख पाऊँ, उसके बाद नहीं रख पाऊँगी। यहाँ बाबू टीवी देख देख के अपना हलवा इन्जॉय कर रहा है, और साथ ही मैं आ चुकी हूँ फिर से बालकनी में, जो भी कपड़े मैं सूखने के लिए डाल, जैसे जो चादर था तो कपड़े धुले ही नहीं है, सारे के सारे चादर ही धुले, तो जितने भी चादर हैं वो सारे चादर मैं मतलब सारे चादर को उठा लूँगी और उसके बाद उसको फोल्ड करके रख दूँगी। और उस साइड में देख रही थी कि एक चिड़िया था ना बहुत सारा प्यारा लग रहा था, तो मैं वही उस साइड में देख रही थी, बहुत सुंदर था, कभी आप लोगों को भी ना दिखाऊँगी। सो यहाँ पे एक चादर था जो मैं बाद में डाली थी ना, सबसे लास्ट में डाली थी क्योंकि जगह नहीं था ना, तो ये चादर ना थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा इसको सूखने में, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। सो चलिए अब फ्लावर्स में पानी दे देते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ वाला था, तो जब हमें इतने प्यास लगती है तो पौधों को क्यों ना लगे, है ना। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि थोड़ा सा मैं पानी दे दी थी, लेकिन इवनिंग में भी ज़रूरी होता है आजकल पानी देना, गर्मी बहुत तेज़ तड़ाके वाले है। अगर आपके यहाँ भी तेज़ तड़ाके वाली इतनी गर्मी है तो आप भी पौधों में 2 टाइम तो पानी डालें ही, एक सुबह के टाइम में और एक शाम के टाइम में। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, जितने भी बेडशीट्स मैं लेके आई हूँ सारे को फोल्ड करके लगे हाथ रख ही दूंगी, नहीं तो क्या होता है ना अगर आप छोड़ दो ना तो फिर मन नहीं करता है, लगता है आसकत हो गया, मन करता है कि चलो यार बाद में कर लेंगे। इसीलिए मैं संग संग इसको बेड पे रख दी थी कि मैं आते ही पहले इसको ना फोल्ड कर लूँगी। तो जितने भी बेडशीट थे सबको फोल्ड करके मैं जो ये मेरा बेड है ना, इसी के नीचे एक डोर है तो उसमें मैं डाल देती हूँ, जो ईज़िली मुझे निकालने में बहुत ईजी रहता है, टाइम नहीं लगता है निकालने में। सो अभी मैं बालकनी में गई थी क्योंकि बालकनी में भी एक जैसे सोफ़ा का कवर था तो वो रखा हुआ था, थोड़ा गीला था इसलिए मैं छोड़ दी थी, तो वो भी सूख गया, तो उसको फिर ले आके फोल्ड करके रख दी हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि ऐसे तो मैं बनाती नहीं, बहुत कम ही बनाती हूँ, आलू प्याज के आलू में प्याज डाल के मतलब फ्राई करूँगी और बहुत अच्छा लगता भी है। सो आज का डिनर सिंपल सा ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सा रहेगा बताती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को कहीं इन्विटेशन है वहाँ खाने जाने वाले हैं, तो मैं अपने लिए ज़्यादा तामझाम बनाने नहीं वाली हूँ, सिंपल सा खाना बना लूँगी। तो पहले मैं सोची आलू का भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि आलू का भुजिया मुझे भी अच्छा लगता है, बाबू को भी अच्छा लगता है, एकदम कड़क वाला आलू का भुजिया। सो यहाँ पे मैं आलू डाल दी हूँ तेल में, तेल जितना ज़्यादा गर्म रहता है ना आलू उतने अच्छे से फ्राई होता है। तब तक मैं सोच रही थी, वैसे आपको पता ही है कि मैं अकेले चाय तो पीती नहीं हूँ, लेकिन लाल चाय मैं अकेले ही पीती हूँ, जो रेड वाला टी होता है ना वो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ गोटा गरम मसाला में से, जैसे कि इलायची हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं अदरक भी डालती, तो ये सब डाल के थोड़ा सा कम मीठा करके, और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। दूध का चाय मैं बिल्कुल अवॉइड कर चुकी हूँ, बिल्कुल मैं जो दूध का चाय पी ही नहीं रही हूँ, मतलब बहुत अर्सा हो गया दूध का चाय पिए हुए, और
बस घर पे गई थी ना, तो एक बार ही पी थी, मतलब मायके में गई थी तो एक बार पी थी बस, उसके बाद बिल्कुल नहीं। बस मुझे लाल चाय पसंद है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।